क्या आप लोगों को गॉडजिला और किंग कॉन्ग की मूवीज देखना पसंद है? आई होप इसलिए आप लोगों ने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। तो आज बात करने वाले हैं मोनार्क द लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर, जिसमें भाई आपको 10 एपिसोड देखने के लिए मिलते हैं और 10 के 10 एपिसोड देखने में आपको अप्रोक्स 8 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि आपको हर एक एपिसोड की लेंथ 40 से 45 मिनट की देखने के लिए मिलती है। और ये सीरीज जो है मुझे थोड़ी सी लंबी लगी। अगर इस सीरीज में सिर्फ 8 एपिसोड भी होते तो वो भी काफी ज्यादा इनफ था, पर कोई बात नहीं, गॉडजिला के नाम पे 10 एपिसोड तो देख ही लोगे। पर इस सीरीज को देखने से पहले आप लोगों को 2014 में एक गॉडजिला मूवी आई थी, आपको वो देखनी पड़ी, क्योंकि मूवी और वेब सीरीज का दोनों में आपस में एक कनेक्शन है। अगर आप लोग डायरेक्ट सीरीज देखते हो तो आपको कुछ कुछ चीजें जो है मिसिंग देखने के लिए मिलेंगी, यानी कि वो जो बात करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई ये सीन कब हुआ। तो और जब आप लोग मूवी देख लोगे तो इजिली जो है मूवी और वेब सीरीज को कनेक्ट कर पाओगे। और गॉडजिला मूवी जो कि 2014 में आई थी भाई, उस मूवी को अंडर एस्टिमेट मत करना भाई, वो मूवी भी काफी ज्यादा सही है। पर उस मूवी में सिर्फ एक दिक्कत मुझे लगी, वो सिर्फ ये है कि मूवी में आपको ज्यादातर जो है नाइट सीन देखने के लिए मिलते हैं, जिससे कि भाई आप लोग मूवी को जो है रात में देखोगे तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और भाई ये जो सीरीज है मोनार्क द लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर, इस सीरीज में आप लोगों को कुछ यंगस्टर के ऊपर स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें दो भाई बहन है और साथ में लड़के की गर्लफ्रेंड, और साथ में आप लोगों को बूढ़ा आदमी भी देखने के लिए मिलता है, और उस बंदे की एक अलग ही स्टोरी दिखाई गई है और वो भी आप लोगों को सीरीज में देखने के लिए मिलती है। और इस सीरीज में जो दो भाई बहन दिखाए गए हैं भाई, उनके फादर मिसिंग है और अपने फादर को ढूंढने के लिए वो चारों के चारों अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, जहां पर आप लोगों को गॉडजिला भी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहां पे उनके फादर भी जो है गॉडजिला के पीछे जा रहे हैं। पर ऐसा उनके फादर क्यों कर रहे हैं और साथ में इन बच्चों को कैसे पता चल रहा है कि भाई उनके फादर कहां जा रहे हैं और गॉडजिला कहां मिलेंगे, सारी की सारी चीजें जो है आपको सीरीज में देखने के लिए मिलती ही है। पर साथ में जो मैंने बूढ़े आदमी की बात, वो भी भाई अपने किसी टाइम में दो लड़के और एक लड़की तीनों ग्रुप में काम किया करते थे, उनकी भी एक जो स्टोरी है उनकी भी प्रेजेंट स्टोरी के साथ उनका पास्ट की स्टोरी भी दिखाई जाती है, जो कि जो है सीरीज को एक मेंटेन रखता है। यानी कि ऐसा नहीं कि आपको पहले पूरा पास्ट दिखाया जाएगा सीरीज में और फिर जो आगे प्रेजेंट दिखाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों जो है बीच बीच में दिखाए जाते हैं, जो कि सीरीज में अच्छा खासा बैलेंस बना के रखते हैं और आप लोगों को देखने में थोड़ा अच्छा भी लगता है। और इस सीरीज का जो CGI और VFX है भाई काफी ज्यादा सही है, आपको थोड़ी भी दिक्कत देखने के लिए नहीं होती है। और इस सीरीज में मुझे एक बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई भाई, इस सीरीज में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है जो आप लोगों ने पहले बिल्कुल भी नहीं देखा है। लाइक यहाँ पे गॉडजिला और किंग कॉन्ग की एक अपनी ही दुनिया है, साथ में वो कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं और साथ में उनका धरती के ऊपर आने का क्या मकसद है, इन सारी की सारी चीजों को जो है सीरीज में एक्सप्लोर किया गया है। पर ये चीजें जो है हम लोगों को गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग के साथ में जो इसके पिछले पार्ट आ चुके हैं, कुछ कुछ इस तरह की चीजें जो है हम लोगों को उन मूवीज में भी एक्सप्लेन की गई है। और मुझे इसलिए पार्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा सीरीज में कि भाई हमें कुछ यूनिक देखने के लिए नहीं मिलता है, बस उन सारी की सारी मूवीज को इकट्ठा करके एक सीरीज बना दी गई है, ऐसा आप लोग सोच सकते हो। पर साथ में यहाँ पे सीरीज में जो लोकेशंस दिखाई गई हैं, जो गॉडजिला दिखाए गए हैं, साथ में कुछ और भी मॉन्स्टर्स दिखाए गए हैं, वो काफी ज्यादा सही लगते हैं और वही चीज जो है आप लोगों को इस सीरीज में अंगेज रखती है देखने के लिए। और इस सारी सीरीज को आप लोग अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो, पर इसमें एक आध की सीन को छोड़ दिया जाए तो सारी की सारी सीरीज जो है काफी ज्यादा सही है। और इस सीरीज में एक और बात है जो शायद आप लोगों को पसंद ना आए कि भाई ये सीरीज जो है हिंदी में नहीं है, पर दोस्तों इस सीरीज की जो इंग्लिश ऐसी नहीं है कि आप लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। अगर आप लोग थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हो या बोलते हो तो आप इजीली समझ सकते हो, अगर वो भी नहीं आती है तो भाई आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस सीरीज में आप लोगों को हिंदी में सबटाइटल दिए गए हैं, जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। पर जैसे मैं ये सीरीज देख रहा था तो कुछ कुछ चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही थी, तो मैं सबटाइटल देख रहा था, तो उसमें दिक्कत ये हो रही थी कि भाई सीन चला जा रहा था और मैं सबटाइटल ही पढ़ता रह जा रहा था, पर कोई बात नहीं, चीजें मैनेज हो जा रही थी। ओवरऑल सीरीज काफी ज्यादा अच्छी थी, इसमें आपको अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स दिखाए जाते हैं और गॉडजिला दिखाया जाता है, जो कि सीरीज का एक मेन पार्ट है। और भाई जब मैंने ये सारी सीरीज देख के खत्म कर दी तो मैंने इस सीरीज के ऊपर सोचा तो मुझे समझ में आ रहा था कि भाई ये सारी जितनी भी सीरीज है ऐसा लग रहा था कि जैसे कि क्रिएटर ने गॉडजिला के नाम पर पैसे छापने का कुछ सीरीज बना दी है, क्योंकि इसमें कुछ अलग देखने के लिए नहीं मिला। तो भाई मुझे लगा कि बस सारे गॉडजिला के नाम पर ऑडियंस देख लेगी, तो बस उतना ही उन्होंने किया है। और साथ में आप लोगों के मन में ये भी डाउट हो सकता है कि भाई इस सीरीज का सीजन 2 आएगा कि नहीं, तो भाई कुछ चीजें जो है सीरीज के एंड में ऐसी छोड़ी गई है जिससे कि सीजन 2 इजिली बन सकता है और बहुत ज्यादा संभावना है कि सीजन 2 आ भी जाए, क्योंकि यहाँ पे सीरीज के एंड में जो है आपको किंग कॉन्ग की एंट्री दिखाई गई है, साथ में कुछ और भी चीजें हैं जो कि तो ऐसा बोल सकते हैं कि इसका सीजन 2 आ सकता है, जो कि गॉडजिला फैन के लिए काफी अच्छी बात है। और भाई आप लोगों में से किस किस ने ये सीरीज देख लिया मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को कैसी लगी।